हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है संडे, 7 तारीख। मैंने लास्ट व्लॉग शूट किया था 31 को, उसके बाद ना मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ भी शूट करने के लिए, मैं बिजी थी। तो मैं आज शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं और इधर सुहानी हम दोनों सोए रहे। अभी हमारा मन हो रहा है शांत में जाने का। हमारे जो छुआरा है ना, जहाँ से मैं हूँ चढ़गांव, वहाँ के अंडर एक गांव आता है गवास, वहाँ पर शांत होनी है। मतलब देवता जी का फंक्शन होता है वहाँ पे, काफ़ी सारे देवता ने काफ़ी सारे गाँव के, तो काफ़ी बड़ा फंक्शन है। हिमाचल के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी वहां पर आने हैं कल। तो कल हमारा ऑफ नहीं है, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं, और शाम को हमें हो सकता है वापस आना पड़े या फिर हम सुबह आए, जो भी होगा देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग चल पड़े, और हम ना 2 बज चुके हैं, 2 बजे जा रहे हैं, बाकी बाद में मिलते हैं। अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, तैयार होना है। अभी हम बस स्टैंड भी नहीं पहुंचे थे, यहाँ लोग गवास की बस में बैठना शुरू हो गया, और एक बस में ये कम से कम 3 बस की सवारी है। आधे तो अंदर चले भी गए, हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। सुहानी तो चल भी पड़ी है कि हम ठूस ठास के आ जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि सवारी इतनी सारी है ना। लोग देखो यार, हम दोनों अभी यहाँ बैठे हैं। पहले ना हम दोनों एक बस में चढ़ गए थे, हमें सीट भी मिल गई थी, पर इतनी ज्यादा भीड़ है ना, बता भी नहीं सकती मैं, एक उंगली की जगह भी नहीं है। इतनी सफोकेशन हो गई थी, इतनी सफोकेशन हो गई थी, इसलिए हम दोनों उतर गए। अब हम रास्ते देख रहे हो बाल कैसे हो गए, मतलब इतनी सी जगह नहीं, एक सुई की जगह कितनी होती, उतनी जगह भी नहीं। हमारे पैर जान थे वहीं थे, बाहर उतरने में भी हमें ना आधा घंटा स्ट्रगल करना पड़ा बाहर उतरने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, अगर टैक्सी मिली तो टैक्सी में जाएंगे, वरना हम नहीं भी जा सकते क्योंकि मैं नहीं जा सकती, इतनी सफोकेशन में मर गए थे हम भाई। देख रहे हो दोस्तों, इधर लोग कैसे निकल रहे हैं, अभी बस के बाहर ऐसे ठूस ठूस के भरे हुए भाई, हम नहीं जा सकते। हम दोनों को घूमते फिरते आधे घंटे से ऊपर हो गया, पर हमें ना गाड़ी मिली ना बस, तो छोड़ी तो बस में तो जा ही नहीं सकते, पर हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिली। हो सकता है हम ऊपर ही जाए, वापस रूम चले जाए। अभी ना मैं खड़े खड़े भी सफोकेशन हो रही है, और लोग देखो अभी भी इतने ज़्यादा लोग हैं ना। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इतनी 3 बसें हमारे मुंह के सामने फुल फुल होकर चली भी गई, चौथी भी भर गई है, 5वीं बस अभी आई, और उसके लिए भी लोग ऐसे दौड़ रहे हैं। इधर देखो जी, कितने लोग हैं इस बस के लिए भी, ऑलरेडी मेरे मुँह के सामने ही 3 बसें चली गई है, चौथी ये पीछे आ रही है, ये भी पूरी तरह से फुल है, 5वीं ये, और लोग फिर भी इतने सारे, और आधे तो जितने भी वहाँ बच्चे कुछ दिख रहे हैं ना, अभी ये 2 बसें चली गई तो अब इतने बच्चे हैं, 10 मिनट में फिर से ये 2 बसों से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इतने है ना, और इतने तो बची गए बेचारे, इनके लिए अंदर घुसने की जगह नहीं बची है। रोडू में तो हम लोगों को सीट नहीं मिली, हम आगे समोली, ये सोच के कि यहाँ से बस मिल जाएगी, यहाँ से हमें सीट मिल जाएगी, पर मुझे नहीं लगता यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इधर तो पुलिस वाले भी खड़े हैं ट्रैफिक के लिए, और यहाँ भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। फाइनली हम लोगों को बस मिल गई और सीट भी अच्छी मिल गई, पीछे लोग कितने सारे हैं भाई, हम लोग अच्छे से सीट पर बैठ गए, अब अच्छे से पहुँच भी जाए तो बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए आधे रास्ते में, यहाँ से हमें लगभग 5 किलोमीटर जाना है पैदल, उधर उस रोड में जाना है कहीं तो, और लोग देख रहे हो कितने हैं, बसें भर भर के आ रही हैं। हाँ, हमें कौन मिल गया है, हेलो हेलो, कैसे हो? मैं आ रही हूँ आपके साथ सुबह नीचे, अगर मेरे को हाँ, हेलो हेलो, नमस्ते जी, ठीक है आप? लोग नीचे को आ रहे सारे, और हम लोग ऊपर को जा रहे, जितनी वो लाइट सुधर तक दिख रही है ना, सारे लोग आ रहे, इतने सारे लोग नीचे को आ रहे भाई,
ऊपर जाने वालों की संख्या कम है, नीचे आने वालों की ज्यादा है। एलियम गांव में पहुंच चुके हैं, उधर दिख रहा है गांव, पर अभी वहां पहुंचने के लिए पता नहीं कितने मोड़ क्रॉस करने पड़ेंगे हमें। यहाँ सारे मिल चुके हैं हमें और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। मंदिर जाने के लिए इधर इतनी प्यारी पैड़ियां बनी लकड़ी लकड़ी की। फाइनली हम लोग सोने आ गए और इधर मैं दिखाती हूँ आपको कितने सारे लोग सो रखे हैं। इधर सारे लोग ही लोग, औरतें ही औरतें सोई है सारी। पीछे तक अभी सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी है, हम भी सो रहे हैं और मेरे साथ ये दो है। जो खाली खाली सा हॉल था वो पूरी तरह से भर चुका है, जहाँ कहीं भी जगह थी वो सारी भर गई और सुई जितनी जगह भी नहीं बची अब।